हाँ वो मैंने भी देखा था, उस समय बज रहा था थोड़ा सा, पता नहीं कहीं जैम वैम हो गया होगा, कुछ फंसा है क्या उधर? कल रात को हमने गाड़ी धोया था ना। अच्छा वो ग्रीसिंग कर देना वहाँ पे। हेलो, दरवाजा आवाज कर रहा है, लेफ्ट साइड वाला। अच्छा यहाँ फंस रहा है, यहाँ पे फंस रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं अब यहाँ से। सो ठीक है, लेट्स गो। सो गाइज ये दूसरी लोकेशन थी हमारी, और ये पार्क वर्क है बच्चों के लिए। वैसे हमारा प्लान बना था ऊपर पहाड़ों पे भी जाएं, पर आज उतना टाइम मिल नहीं पाएगा, तो पहले देहरादून ही घूम लेते हैं हम आज। पहले देख लेते हैं ट्रैफिक का कंडीशन क्या है, ठीक है? हाँ फिर उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। श्री राम जी का प्रसाद। ये रैली निकल रही है गाइज, तो ये लोकेशन है मसूरी, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, पूरा हम ऊपर तक चढ़ के जाने वाले हैं, फिर अमेजिंग अमेजिंग व्यूज आएंगे। सो गाइज अभी हम एक ऐसी लोकेशन पे रुके हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करवाना है, एंड धूप भी है आज, तो धूप है तो ठंड कम है। बाय द वे यहाँ पे ठंड अगर बहुत ज़्यादा रहती है। सो एक बार आप ये लोकेशन चेक करो, अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। यस सो थोड़ा सा अभी हम फ़ोटो शूट करते हैं यहाँ पे, बाकी ऐसे छोड़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सिनेमेटिक इंजॉय करो पहले। हेलो अभिषेक, नंबर दे देना भाई जी को। भैया का ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रूम वगैरह मिलता है, यहाँ पे चाय वाय मिलता है। बाय बाय। ये मसूरी से थोड़ा सा ऊपर आओगे ना तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ऊपर नहीं है, नीचे है मसूरी से। अच्छा मसूरी से नीचे है ये रास्ता, हाथी पाव जा रहा है। अच्छा हाथी पाव। Thank you.
सो गाइज अभी हम हैं डेथ वैली के पास। बाय द वे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। सो अभी थोड़ा सा स्नैक्स स्नैक्स लेंगे, कुछ मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे एंड देन फिर आगे चलते हैं। सो गाइज अभी हम पहुँचे हैं देहरादून, मतलब देहरादून से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये डेथ वैली। कितनी प्यारी प्यारी है यार, डर रही है ये। डर रही है ये भाई। तभी ये लोकेशन देखो गाइज, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ठंड तो इतनी है कि पूछो ही मत। किधर से चढ़ना है? इधर से डेथ एक्सपीरियंस करना है। आ जाओ, बहुत खराब है ये, देखो। ओवे भयंकर गाइस, ये खाई देखो आप। आना एक बार, आप इधर आना, इधर की साइड। दो आदमी नहीं रह सकते वहां। यही तो है मुस्कान का आशिक। अच्छा तो ये है मुस्कान का आशिक। खाई देखो गाइस, यहाँ से जाएगा ना कोई, कसम से सीधा भगवान के पास जाएगा। बहुत शॉर्टकट तरीका है ऊपर जाने का। बाकी ये कोहरा उड़ा है पूरा, पता नहीं क्यों आज साफ नहीं है। ये धूप है फिर भी साफ है नहीं। और यहाँ पे कैंपिंग के लिए एरिया है, कैंपिंग कर सकते हो आप टेंट वेंट ला के। अभी यहाँ पे नेटवर्क होता ना तो मम्मी को कॉल करके बताता कि मम्मी मैं आ गया स्वर्ग में अभी। अरे कोई नहीं, आप वीडियो वीडियो डालूंगा ना यूट्यूब पे, आप उन्हें भेज देना। हाँ मम्मी को मैं दिखाऊंगा। हाँ ये वीडियोज आप उन्हें भेज देना। यार कितने प्यारे नचारे हैं, दिल खुश हो गया, जाने का मन नहीं कर रहा मेरे को यहाँ से। सच में घर बना ले यहीं पे। बनाते हैं पैसे, पैसे बोल के घर से मंगाते हैं, यही घर बनाते हैं। चलो ठीक है ठीक है। क्या नजारे हैं ये, तो और भी अमेजिंग लग रहा है ये पहाड़ वहाड़ पेड़ पेड़। यस तो गाइज अभी हम इस लोकेशन पे विजिट किए थे, सारा ब्लॉग व्लॉग शूट किया मैंने यहाँ पे, सिनेमैटिक एंजॉय किया होगा, आई होप आपको मज़ा आया होगा। और ये गाय माता हमारी गाड़ियों की रक्षा कर रही थी, देखो ऐसे एक आगे एक मतलब सॉरी एक पीछे, एक साइड में और एक दिस साइड, मतलब ऐसे लाइन से है खड़ी है ना ये हमारी। रुको मैं इन्हें कुछ खिलाता हूँ। भैया खोलना ये गेट, खोलना। अरे ये मत खाओ, आप ये खाओ। गर्मियों आते हैं इधर कैंपिंग करने, ठीक है। काफी मजा आया यहाँ पे, बहुत एंजॉय किया हमने। अब निकलते हैं यहाँ से।